निम्नलिखित स्पेस वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसके ऊपर लास्ट एग्जांपल करेंगे एक्सटेंडेड रियल नंबर के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले एक्सटेंडेड रियल नंबर को डिफाइन कर लेते हैं। एक्सटेंडेड रियल नंबर्स को हम आर बार से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास इक्वल होता है आर यूनियन माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। ठीक है, हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं उनको हम कैसे डिनोट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, यानी उसमें माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट शो करिए कि ये चीज़ इंक्लूड नहीं है, लेकिन इनके दरमियान में जो कुछ आ रहा है वो सारा इंक्लूड होता है। एक्सटेंडेड रियल नंबर में यही डिफरेंस है कि रियल नंबर में तो सारे नंबर्स आ जाएंगे माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को छोड़ के, लेकिन एक्सटेंडेड रियल नंबर में हम माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को भी इंक्लूड करवाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है डी ऑफ आर क्रॉस आर टू आर, यानी एक्सटेंडेड रियल नंबर का कार्टीजियन प्रोडक्ट बाय विच आर बार इज एन एक्सटेंडेड रियल नंबर, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्सटेंडेड रियल नंबर, देन डी इज अ मीट्रिक ऑन आर। ठीक है, मीट्रिक प्रूव करने के लिए हम जानते हैं चार एग्जाम लगाने पड़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, लेट डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये रिलेशन गिवन है। ठीक है, इस रिलेशन के ऊपर हमने फोर एग्जाम लगाने हैं और प्रूव करना है कि ये भी एक मीट्रिक है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम हमारे पास ग्रेटर दैन और इक्वल टू वाला होता है, इसलिए डी ऑफ एक्स वाई किस चीज़ के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई और मॉड क्लोज कर देंगे, ये चीज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो है। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव कभी नहीं हुआ, डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, लेकिन मॉड के अंदर जो भी वैल्यू हो उसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं अगर वो नेगेटिव भी हो तो मॉड से निकलने के बाद वो पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए फर्स्ट एग्जाम तो हमारा वैसे ही प्रूव हो चुका है कि ये चीज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अब हम सेकेंड एग्जाम को प्रूव करते हैं। सेकेंड एग्जाम में हमने पढ़ा था डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ऑनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, डी ऑफ एक्स वाई जीरो के इक्वल है। अब हमारे पास क्या रिलेशन गिवन है, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब हम मॉड अगर ख़त्म करेंगे तो ये चीज़ अगर अंदर वाली चीज़ जीरो के इक्वल हुई तब ये चीज़ जीरो के इक्वल होगी ना, तो अब हम मॉड ख़त्म करके एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं। ठीक है, अब ये दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगर फंक्शंस इक्वल हों तो उनके इमेजेस भी इक्वल ही होते हैं। ठीक है, सिंस यहाँ पे हिंट लिख लें एफ इज वन टू वन। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। हमारे पास सेकेंड एग्जाम में डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ के केस में हम इसका कन्वर्स भी करते हैं, हम इसको लेट कर लेते हैं और यहाँ से प्रूव करेंगे कि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो जीरो के इक्वल है। ठीक है, अब हम इसका कन्वर्स कर लेते हैं। कन्वर्सली एक्स इज इक्वल टू वाई, अब हमने लेट कर लिया कि एक्स और वाई इक्वल है, अब बैक स्टेप पे वापस जाना है। एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है, ठीक है, अगर इमेजेस इक्वल हैं तो फंक्शन भी इक्वल ही होंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ठीक है, इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अगर इसका मॉड ले लें एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये चीज़ किसके इक्वल होती है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब हम बैक स्टेप पे वापस आ गए, यहाँ पे बेशक साथ हिंट लिख लें फंक्शंस आर इक्वल देन देयर इमेजेस आर आल्सो इक्वल। अगर फंक्शंस इक्वल हो तो उनके इमेजेस भी इक्वल ही होते हैं। यहाँ पे हमने एक्स इज इक्वल टू वाई फिर बैक स्टेप पे, असल में हमने सारे यही स्टेप्स किए हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास इफ एंड ओनली इफ का केस था इसलिए हमने इसको लेट किया और वहाँ से वहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो ये सेकंड एग्जाम भी प्रूव हो चुका है। थर्ड एग्जाम में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करानी है, तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, पहले मैं फर्स्ट एज इट इज़ लिख रही हूँ, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई विच इज इक्वल्स टू। अब देखें, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मॉड के अंदर जो भी चीज़ होती है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर वो नेगेटिव भी हो जाएगी तो मॉड उसे पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले एफ ऑफ वाई लिख रही हूँ,
माइनस एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, अब ये एफ ऑफ एक्स पहले था एफ ऑफ वाई बाद में, तो ये एक्स वाई था, अब यहाँ पे वाई पहले आ गया एक्स बाद में, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी ऑफ वाई एक्स। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड एग्जाम भी सेटिस्फाई हो चुका है। ठीक है, अब फोर्थ एग्जाम प्रूव कर लेते हैं। फोर्थ एग्जाम में हमने ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगानी है, तो पहले एज इट इज़ ये फंक्शन लिख लेते हैं, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई विच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, हमारे पास जेड नहीं है, ठीक है, जेड को ऐड और सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं, माइनस एफ ऑफ जेड प्लस एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ वाई मॉड रूट्स। ठीक है, अब हम मॉड को अगर स्प्लिट करें यहाँ पे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगाएं, तो ये लेस आर इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जेड प्लस एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो ये चीज़ किसके इक्वल होती है, डी ऑफ अब एक्स जेड है, यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई के इक्वल था जब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई था, ये चीज़ हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई था। ठीक है, फॉर्म वही बन रही है, एक्स वाई की जगह पे हम एक्स जेड रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा डी ऑफ एक्स जेड प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी यही सीन करेंगे डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, हेंस डी इज अ मैट्रिक्स ऑन एक्सटेंडेड रियल नंबर। ठीक है, जिसको हम आर बार से डिनोट करते हैं। ओके, तो हमने एक्सटेंडेड रियल नंबर के ऊपर भी मीट्रिक स्पेस की फोर प्रॉपर्टीज लगाई हैं, और ये बात प्रूव हो चुकी है कि ये भी एक मीट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सुडो मीट्रिक स्पेस को डिस्कस करेंगे।